उत्तराखंड के सितारगंज चीनी मिल को 402 करोड़ रुपए घाटे की बताकर सरकार ने कैबिनेट में चीनी मिल को पीपी मोड पर लाने का जो फैसला लिया है, उस फैसले से गुस्साई कर्मचारियों ने चीनी मिल गेट पर ही धरना प्रदर्शन किया। वहीं चीनी मिल कर्मचारियों का कहना है कि हमारे साथ किसान भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। कर्मचारियों का कहना है कि आज हमारे साथ दर्जनों किसान धरने पर बैठा है, जो कि सरकार के इस फैसले को गलत मानता है। वहीं किसानों का कहना है कि जो गन्ना फसल तैयार हुई है उसे हम कहां बेचें? अगर सरकार को ऐसा ही करना था तो कुछ माह पहले ही चीनी मिल कर्मचारियों और किसानों को सूचित किया जाना चाहिए था। सितारगंज से क्राइम स्टोरी के लिए अनीश रजा की एक खास रिपोर्ट। देखिए, अचानक जो है ये निर्णय सरकार ने जो लिया है, इस निर्णय की हम लोग घोर प्रशंसा करते हैं। इसलिए प्रशंसा करते हैं क्योंकि चीनी मिल को अभी 5 करोड़ रुपया वेतन के लिए कर्मचारियों के लिए दिया था, और आज जो है 2 करोड़ रुपया उन्होंने जो है दिया था, भाई प्लांट रिपेयर करिए और प्लांट को चलाइए इसको। वो उसमें से चंद्र मेहनत ने सारे पैसे खर्च कर दिए, सारे सेंटर हमारे लग गए हैं, सारे कर्मचारी वहाँ पर जो है ड्यूटी कर रहे हैं और फैक्ट्री पूरी रनिंग कंडीशन पर है आज की तारीख में। और जनरल मैनेजर द्वारा ये कहा जा रहा है कि मुझे 56 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 56 करोड़ रुपये की उनकी काहे लिए आवश्यकता है? यदि कल हमारी चीनी मिल चल गई होती तो हमारा प्रोडक्शन चालू हो जाता, और प्रोडक्शन जब हमारा चालू हो जाता तो हमें बैंक से जो है पैसा डीपी बनती, हमें बैंक से पैसा मिल जाता, वो जो पैसा मिलता कास्तकारों को हम पैसा देते रहते, तो आखिर इनको 56 करोड़ की जरूरत काहे नहीं पड़ी और क्यों सरकार ने इनका प्रस्ताव स्वीकार किया? इसमें कहीं ना कहीं जरूर खोट है कि एक तरफ फैसला लिया गया। मैं तो ये चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि 5 सालों की इनकी जांच की जाए कि इन महोदय द्वारा, प्रधान प्रबंधक महोदय द्वारा, इन 5 सालों में किन किन मद में कौन कौन सा पैसा लेकर के खर्च किया गया, और आज जो ये चीनी मिल घाटे में आ गई। और चीनी मिल घाटे में तो बाजपुर भी है, चीनी मिल घाटे में डोईवाला भी है, और सितारगंज को ही आनंद फानंद बंद करने की क्या आवश्यकता पड़ी? इसलिए हम लोग सत्ते में है कि जो सरकार हमको 5 करोड़ रुपया वेतन 5 महीने का दे सकती है, वो सरकार आज आनंद फानंद में ये फैसला लेने के लिए क्यों मजबूर हुई? हम इस मामले में मुख्यमंत्री महोदय से कहेंगे कि इसकी जांच करें, उसके बाद कोई निर्णय द्वारा इसमें सोचें, नहीं तो ये यदि सरकार द्वारा ये निर्णय वापस नहीं लिया जाता है और 700 कर्मचारियों को रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है, तो कर्मचारी निश्चित बात है कि रोड पे खुलेआम जो है आंदोलन करेंगे। हमारी मांग तो कुछ नहीं है, हमारी मांग केवल यही है कि चीनी मिल को चलाया जाए और हम इस पीपी मोड़ का भी विरोध करेंगे, और जो हमारी चलती हुई चीनी को जो बंद कर रहे हैं हम इसको भी विरोध करेंगे। हमने डबल इंजन की सरकार को हमने दी है या उत्तराखंड में, हम इस डबल इंजन की सरकार से मांग करेंगे कि जो इन्होंने ये अपना ये बंद करने का जो ये प्रस्ताव रखा है इसे पुनः वापस लें, नहीं तो हम आर पार की लड़ाई रखेंगे, ये आंदोलन चलाते रहेंगे, और जो हमारा ये चिराग जो हमारा रोशनी जो फैला रखी है चीनी मिल ने, तिवारी जी की देन है, इसको जीवित रखें, अन्यथा हम ये चीनी मिल को सारे कर्मचारी और यहाँ की महिलाएं इस रोड चक्का जाम जो भी कुछ होगा हम करने को बाध होंगे।